ये जी हवेली कोहटा में आज सुबह तकरीबन फजर के टाइम एक मकामी शख्स को एक तेंदुआ नजर आया जो कि जख्मी हालत में था और वहाँ पे बर वक्त जो है वाइल्ड लाइफ एहलकार हवेली वाले पहुँच के उन्होंने रेस्क्यू करके इसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लाया। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका ऐसा महसूस हो रहा है कि इसकी टांगें दोनों टूट चुकी हैं और ये बड़ी ही दर्द के आलम से इस वक्त गुजर रहा है। और जो है वाइल्ड लाइफ एज है कि और वाइल्ड लाइफ इस्लामाबाद से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको फौरी तौर पर रेस्क्यू करके किसी एनिमल हॉस्पिटल में पहुँचाया जाए ताकि इसकी जो ट्रीटमेंट है वो की जा सके। यहाँ पे अभी तक इसको कोई पेन किलर या ऐसा मेडिसिन या इंजेक्शन नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ पे आवाम इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो चुकी है कि ये मज़ीद खौफज़दा हो चुका है। दर्द तो उसको है ही लेकिन अब वो मज़ीद खौफज़दा है। इसको ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जा रही है लेकिन आवाम की तरफ से इतना शोर शराबा है कि मुश्किल हो रहा है कुछ भी। वाइल्ड लाइफ का ये कहना है कि इनको इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता फिलहाल। बोलो पैसे बंदा बच्चा खड़ा देखने के ऊपर चढ़ने बोलो। ये जो रेस्क्यू के वाइल्ड लाइफ के हल्के आ रहे हैं इसको ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आगे से अटैक किए जा रहे हैं। मुझे लगता है ये अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। इसको यहाँ ना से रेस्क्यू किया जा सकेगा और ना ही यहाँ पे इसको कोई पेन किलर दिया जा सकेगा क्योंकि जो उसकी कंडीशन है। दादी इन्हें हटाओ इन्होंने इन्हें असीर बड़ा नजर आना तेंद पे थी भी शबीर साहब इन्हें असीर बड़ा नजर आना तेंद पे थी भी नहीं थोड़ा इधर टा छोड़ो इन्हें टा छोड़ो इधर इन्हें हटाओ इन्हें लोगों की टा चो ना जी अगे थी रोटी किधर खाता है क्या हो गया आपको अब मुर्गी एक पैसे नहीं ले हमने कोई अड़ला खाले दाना छटो तो देखा ना क्या दिल्ली साठ छोड़ा जमा गाना काट कुर्ते की सप्लाई ना अटैक है मतलब मुझे लासी नहीं लासी हेलो बाहर निकल रोटी की खाना
हाँ मत ऊपर गिर जाओ किसी के लगा रहे